दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रंगमंच को समर्पित संस्था दर्पण गोरखपुर में वर्ष 1976 से निरंतर रंगमंच कार्यक्रम करती आ रही है। संस्था ने अपने स्थापना वर्ष से अब तक उत्कृष्ट व परिपूर्ण रंगकर्म को ही अपना उद्देश्य बनाया है। नाटक को तकनीकी दृष्टि से संपन्न और आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर तकनीकी संपन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित कर रंगमंच व कार्यशालाएं लगाई जाती हैं। इसी दिशा में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली प्रशिक्षित एवं MPST भोपाल के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी के निर्देशन में एक कार्यशाला का आयोजन 6 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किया गया। युवा एवं नवागत कलाकारों ने इस कार्यशाला में अभिनय एवं रंग से जुड़े क्रियाकलापों का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके तहत नाटक दीक्षा का निर्माण किया गया। दीक्षा पद्मश्री स्वर्गीय नरेंद्र कोहली के उपन्यास शिक्षा पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण शहर के युवा रंगकर्मी मानवेंद्र त्रिपाठी ने किया। नाटक का केंद्रीय विषय मनुष्य का दिव्यत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित है। राम, जो महलों के कुमार थे, गुरु विश्वामित्र ने उन्हें दीक्षित किया, उनकी क्षमताओं को जागृत किया। राम नर से नारायण हो गए। गुरु महिमा पर आधारित यह नाटक प्रस्तुति गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक सार्थक प्रस्तुति सिद्ध होती है, जिसको देखते हुए 2 दिवसीय दीक्षा समारोह का आयोजन शनिवार से सरस्वती विद्या मंदिर में शुरू होगा, जो कि राम कथा पर आधारित है, जो रविवार को समाप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे, दीक्षा कार्यक्रम के निदेशक आलोक चटर्जी ने कहा, मैं रविशंकर खरे, अध्यक्ष दर्पण गोरखपुर। ये दर्पण गोरखपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नाट्य समारोह है, जिसमें दीक्षा नाटक का मंचन होगा और उसके निर्देशक श्री आलोक चटर्जी हैं, जो कि MPSD से डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने 1 महीने का बच्चों के साथ में, नए कलाकारों के साथ में वर्कशॉप करके ये नाटक तैयार करवाया है। इस नाटक को नॉवेल से और नाट्य रूपांतर करने वाले मानवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, क्योंकि बेसिकली लिखा हुआ है ये श्री पद्मश्री नरेंद्र कोहली जी का। इसमें राम कथा पे आधारित नाटक है ये, और 16 और 17 को रविवार और शनिवार को शाम 7 बजे सरस्वती विद्या मंदिर में ये मंचित किया जाएगा। प्रस्तुति का नाम है दीक्षा और मैं इस प्रस्तुति का निर्देशक हूँ, आलोक चटर्जी। ये दर्पण संस्था ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कि 1 महीने का एक प्रस्तुति पर कार्यशाला करनी है और एक नाटक करना है, तो रंगमंच से संबंधित इतिहास, एक्सरसाइज, वॉइस, स्पीच, एक्टिंग, इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट हाफ में वर्कशॉप करते थे। 40 बच्चे इसमें हैं, बच्चे लड़के लड़कियां मिलाकर। और सेकंड हाफ में हम लोग एक नाटक की तैयारी शुरू किए, पद्मश्री स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास है दीक्षा, उसको नाटक कथा के रूप में कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम के एक साधारण राजकुमार से देवता बनने की कहानी है, अपने गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में, और नर से देवत्व की यात्रा ही इसमें बताई गई है। 1 घंटा 20 मिनट का यह नाटक है। ये 16 और 17 को सरस्वती शिशु मंदिर में शाम को ठीक 7 बजे से प्रारंभ होगा।